हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और ये लीनियर अलजेब्रा का सेकंड टेस्ट है। जिन साथियों ने फर्स्ट टेस्ट को मिस किया है वो लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टेस्ट में जो टाइम ड्यूरेशन है वो फ्रेंड्स 25 मिनट्स ही है, तो आप विद इन टाइम इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और फर्स्ट टेस्ट में जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं उन सिली मिस्टेक्स को आज के इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी एंड टी इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स डायमेंशन ऑफ v ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t। ऑप्शन सी है डायमेंशन ऑफ v लेस देन डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ t और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स नन। सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट t बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v वेक्टर स्पेस टू u वेक्टर स्पेस सच दैट इट मैप्स इंडिपेंडेंट सेट इनटू इंडिपेंडेंट सेट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है t इज नॉन सिंगुलर, सेकंड ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ t जीरो, सी ऑप्शन है t इज सिंगुलर और डी ऑप्शन है नथिंग कैन बी सेड। थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट t बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v इनटू ए टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस w, देन t इज, हमें चार ऑप्शन गिवन है। फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इफ W1 and W2 are linear subspaces of a vector space V, then dimension of W1 plus W2 is, हमें W1 plus W2 डायमेंशन के कोरेस्पॉन्डिंग फार्मूले पर यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लेट V be the vector space of 3×3 skew symmetric matrices over the field of set of real number। और इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करती हैं। देन डायमेंशन ऑफ v, हमें v का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट है, ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज कोडोमेन इज फील्ड ऑफ स्केलर इज कॉल्ड, कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोडोमेन फील्ड ऑफ स्केलर हो तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर अलजेब्रा में किस नाम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, let V is equal to R4 and W be its subspace, then dimension of V mod W is, हमें फ्रेंड्स V mod W क्वोशंट स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, let T be a linear transformation from C square R to C square R और T हमें 1-1 linear transformation गिवन है, then rank of T is, हमें T linear transformation की रैंक फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लेट यू बी ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और द फील्ड एफ एंड वी बी एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और एफ, देन एल यू वी इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन। एल यू वी डिनोट करता है फ्रेंड्स यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस पर जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की जा सकती है उन ट्रांसफॉर्मेशन का सेट, तो हमें LUV का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R10 टू R6 द कर्नल हैज डायमेंशन 5, हमें फ्रेंड्स कर्नल का डायमेंशन गिवन है डायमेंशन 5, देन डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, हमें T ट्रांसफॉर्मेशन के रेंज स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, T इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट ऑप्शन है नल टी नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन है नल टी टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी, सी ऑप्शन है रैंक टी इक्वल टू जीरो और फ्रेंड्स डी ऑप्शन है नल टी इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लेट वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस यू इनटू वेक्टर स्पेस वी विद यू इज ऑफ फाइनाइट डायमेंशन, हमें डोमेन का डायमेंशन फाइनाइट गिवन है, देन रैंक टी इज डायमेंशन ऑफ, हमें बताना है कि रैंक टी क्या डिनोट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना हो, तो हम उन वर्ड्स को सर्कल कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये रहे कि हमें इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना है। और हमें चार ऑप्शंस गिवन है। सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, एवरी नॉन एम्प्टी सेट इज एल डी सेट, एवरी स्पेनिंग सेट कंटेन्स एल आई सबसेट। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस, हमें ए कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें फाइंड आउट करना है कि ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उस इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ M 3 × R/R इस वेक्टर स्पेस में सारे की सारी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं और इन मैट्रिसेस की एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 इज। हमें फ्रेंड्स वेक्टर स्पेस में सारे की सारी 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और इन डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती है और इस वेक्टर स्पेस का जो बेस फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है और हमें इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट T1 बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 एंड T2 बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 एंड T3 बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट। हमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन पर पूछा गया है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है T1 इंटू T3, ऑप्शन बी है T2 इंटू T3, ऑप्शन सी है T3 इंटू T1 और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स नन। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू M4x2R/R। हमें वेक्टर स्पेस M4x2R गिवन है। इस वेक्टर स्पेस में सारी की सारी वो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर 4x2 है और इन मैट्रिसेस की एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर स्पेस किस वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट टी बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V वेयर डायमेंशन ऑफ U इज 8 एंड डायमेंशन ऑफ V इज 10, देन द मैट्रिक्स ऑफ T। तो हमें T की जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, आपको रिलेशन लिखना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आप इन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को विद इन टाइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।